हुआ लूट जने दुनिया खाई भाई दुनिया गई है बीच में भूल दूसरा मैंने रीत चलाई। राजा को लानी पे चढ़ो चेहरबा की कान घटाई भाई भाग जितनी पलटन गई बगना उल्टी आई। त्रोहाती सिंह रहो बह जहाँ झिरको पानी भाई मेरी गई है जमापू नाठ अनर ऐसी कोलानी। जंग जुड़ा भीतर धसू तो कूहून दिखाऊं हाथ। मंगल सिंह महाराज सु करनी मैं चाहूं हूं दो दो बात है बिट्टी का रोड़ा मेरी खानदान में और मेरी बुनियाद में और मेरी पाल में सदा मदास ये काम होता है। आज को नयो काम ना करना वो सरा तेरा हाथी सिंह तेरा राजा और महाराजा तमाम टक्कर खारा मेरी पाल के अंदर। हेलो कहा तो उसी वक्त मेरे सरदारो जरा गौर करने की जरा ध्यान देने की बात है। क्या तूफानदार रोष में हो तो क्या इस सब ध्यान करते क्या कहते तेज खुदा बख्श को बुचड़ी दीनो यान चार भी वर्ष को भेज उसी वक्त चार साल की सजा बोलते बेगैर के हर तकड़ी करके हवाले जल्लाद इनके कहा को सालान दे दिए यानी कि अलवर को अलवर में जाके सेंटर जेल में बड़ी में जो में 20-20, 30-30, 40-40 10-10 साल का जेलिया वहां में जाकर बंद कर दें। अलग कोठड़ी में गुड़चिड़ी सारी कर दियो जहाँ नवे शाम को वक्त हो तो लांगड़ी जो है और जो के खुराक बांटने वाला था अब हरेक सजावार को हाल हरेक कैदी को खुराक बांटते रहो चलो आरो कहाँ आ जा गुड़चिड़ी सारी की कोठड़ी में ले भाई नया जेली अपनी खुराक ले खुराक वही लखा कर देखे अरे भैया दो फुलका एक प्याली दाल ही बोलो तेरी बहन की मर गए ठो चार साल वैसे रहना पड़गो श्रे इनमें तो कान बिता तो ना होए एक हाथ से तो लपक लिए प्याली दूसरा हाथ है झुट्टन सो और जिम में दे दिए रा लांगरी के हाँ ले भाई मेरे कुछ चार पैसा की बीड़ी लायो और लांगरी ने जंगला में कहा चला रिया ने पहुंचो कख्या रिया ने पढ़ायो दुहाइए कहा था भाई के भाई ये बात बता जैसे मैं कहूं मंगल सिंह महाराज सु से कह देवा तो सारे छोड़ नहीं छोड़ना वो बोले भाई दुहाइये पढ़ो जाऊं बता दे कैसे कहूं देखना भाई वहां से आए कह दीजो मैं जो आपकी जेल के अंदर नया जेल आया है उसका ये ऑर्डर है कौन सा भाई बकरा का गोश्त बारहवीं की हूं की चपाती मनारी हुक्का देसी तमाकू और इन्हें पहुंचा देगा तो तेरी जेल में डटे नहीं डटे तेरो बाप नुआ को बाप अभी जाकर कह दूंगो फार्मी की हूं भी वह हो प्यारी कौम मीरा सिंह की जाने उनने खाना और के राजा महाराजा जाना और कौम खुदा तक भी ना जाने उनने खाता सरदार की सवाल छुट रहे है भाई वक्त कौर लांगी का हाथ को छोड़ दे और जलीन ने भी छोड़ दे प्रात आम खास कर लो जो हाँ ये मंगस महाराज कहे की आपको तो नए जेली आयो है वर्ग यू और अगर यू हुक्म है क्या बड़े देसी तमाकू मनाई हुक्का बकरा को गोश्त कोरी घड़िया में पानी अगर इन्हें न पहुंचा देगा तो तेरी जेल में डटनी डट मेरो बाप न तेरो बाप भेज दे भाई ने 10-5 और साथ ले जाएगा
किस्मत को बली, वही सौदा वही चीज जो जवान सुमानी फरार और जेल में। अब जाने तीन रोज होगा कि चार रोज होगा, हूं सुखौन उछर बछेरी को उमदा मैनो जय प्रवाटी को। अरे बड़े सूरमा बड़े बलंकारी, अपना मैना माटी को कोई ऐसा कसूर बन गया जो के तिल धन को जगह ना रही। सुनकर इनको शोर शराबा और इनका नाम के ऊपर उमदा मैणो उछर बछेरी को छोड़ के अपनी जय प्रवाटी अपनी मैना वाटी है कहां को हल्ला बोल दे, यानी के रियासत अलवर। रियासत अलवर में जैसे घुसो जैसी किसी इंसान में कोई चीज की आदत होती है वो छूटती नहीं है। किसी का ही घर में छेंडी कर बैठे एकदम खुदा को हुक्म वह छेंडी के मुंडे बड़ा गिरफ्तार हो जाए। गिरफ्तार होते ही के साथ में जा जेल में घुटनी इस्तारिया वाई जेल में यू मुंदियो जाए। रात को रहे तो सह तो दिल निकल तो जैसे या दुनिया घुटड़ी घुटड़ी कह रही यू जाके पास आयो छोड़कर अपनी कोठड़ी। मैनान की बोली सरदारो सदा मदासी यू है भाई तू कहां रहा सू। उन्होंने कहा भाई मैं तो चौड़ा उतर हूं भाई तेरो नाव कहा सु भाई मुझ कहा घुटड़ी। अरे भाई तू कहा रहा भाई मैं तो उछर बछेरी घूमदा मैना सु। हरा भाई तू कैसे आ वही ओ भाई मेरी जय प्रवाटी में मोसू आएगा कसूर हो गए जो के मुख तिल धन को जगाना रही। दो दावड़ा मेव का बताया कहा चौंडा होता मैं कौन को घुड़चिड़ी मेव का। उनको शोर शराबा सुन के उनको आश्रो लेके मैं जात रहो उनके प्यालू। रियासत अलवर में घुसते ही मोसू ऐसा कसूर बन को पड़ाग में गिरफ्तार हो गो इसी जेल में मैं आगो एक खुदा बख्श केन पहले जा रहा हूँ तू घुचड़ी मेव खा केन पहलू के जरूर उनके पेल जा रहा हूँ। ओ भाई अरे मेव खा तो अपने घर है और भाई मैं ही हूँ घुचड़ी मोसू बोला धोसू बोला। हाँ भाई कितने दिन को आयो तू यहाँ मैं चार साल को पड़ाग उमदा मेड़ो उतार कर अपनी पाग वाकी टेट बदल दे वाकी पाग अपनी टेट बदल दे। भाई मैं तो खुदा के लिए त्यारो आसरो लेके और त्यारे पास जा रहो भाई भगवान ने तुमको ही नहीं मिला दियो। जा भाई तू मेरो भाई मैं तेरो भाई चार साल में जातना चलूंगा जातना अपना भाई साथ ले चलूंगा। ही तो ये बात हो रही हूँ किसे मेव खाए पतो चले के भाई आपको भाई गिरफ्तार होगा और चार साल को होगा और बड़ी जेल में मुंडो तो बड़े आप सोच में और बड़े गम में और बड़े ख्याल में बैठो कौन के मेव का कहा चौंडा होता हमने घूम तो कौन आ जाए घर को भंगी भौरा। राज सलाम किसान अल्लाह गुसाम आ भाई दादा कहाँ सुहाण करो कह भाई बेटा चुस बहुत तगड़ी लाए दादा चुस तो तुला मगर आज चुस की ना सुहारी कैसे भाई ये मुदे होगा आज अलवर में चार रोज और खैर भाई बेटा यानी गुड़चिड़ी मुंदियो खुदा ने वरना बेटा चुस बहुत जोर की लायो। मैं होगा सोचो करो भाई बात सही दादा कैसी चुस है हेरा लाला फिरोजपुर का बाजार में एक सुनार की हवेली है और सुनार की हवेली में एक सिंधु कैसी है कम से कम जा मैं 10 मन तो गोश नहीं आ जाए जो के चांदी सोना के मारा ढकारने ले रही है। हेलो कहा खैर भाई दादा बात बराबर की टूट गई है पर जब तू ऐसे ही कह रहे हो तो आदि के 12 बजे चलेंगे अरे बस हवेली मत भूल जाए उनने का जरूर ना भूलूंगा। आदि के 12 बजते दोनों दादा पोते मेरे खा घर को भंगी भौरा। अब हल्ला बोली घाटी उतरते कहां जाट पहुंचते बाजार में आगे भंगी पीछे मेरे खा दादा हवेली ही मत भूल जाए तो जाने हराम निशानी लगाओ कैसे भाई हवेली पे जाकर केवल लाला या में है क्या हाँ? अब याने छेंडी करी किसने मेव खाने सुनार सोवे दुकान में सुनारी सोवे मकान में छेंडी करते ही के साथ में भौरा बंगी तो खड़ो हो जाए छेंडी के सहारे बाहर फूट हुआ मेव खबर जाए अंदर लखा कर दे के पहल के कोठा में 5.5 मिनट पक्के की सुनारी अकली पिलंग पर उड़की पड़ी है और लखा कर देखे तो दोनों पाउन में शेर की कड़ी चांदी। ये बोला अपना मन में कि यार श्री सिंधु तो जाने कद पाएगी ये काम कर पहले श्री की शेर ये 2 शेर चांदी है तो कब से कर एक कड़ी को आराम से निकाल ले और यार दूसरी कड़ी में सिंडासी लगाई तो एक साथ में हून सुनारी की खाल बीच में या की आंख खुली जान सुनारी आई भी ना करे मत देर बैठे हो जा बच पहुंचा पकड़ ले। तो मेरे सरदारो ये मत समझना आप लोग कि यानी कि मर्दी ताकतवर होता है बहुत सी बैरवानी भी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है यानी मेव खा के अंदर जितने जोर है जितनी ताकत तमाम खर्च कर दी लेकिन सुनहरी पैसे पहुंचना छोड़ बात बहुत बुरी हुई वो भाई तो खैर फौजदार हरने मुंह धोए
रांडी का हाथ सुमन को बहुत भाई डूबन बिड़ो पड़ो दुनिया में, मगर मर्दी तो हो हबका पबका देदा के काट कूट के छुड़ा कर पहुंचे हरानी छेंडी तो हाथ पड़े ना, जो जीनो ऊपर कुछ है रो जीनो हाथ पड़ जाए दिनाली हाथ में खट 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 छत पे चेहर जार होन सुरारी की किच खुली दौड़ियो मेरा मकान में सुवर बढ़ गो। अब शहर में जागर हुई बाजार में जागर होते के साथ में बढ़िया बाटू जितनी भी कौम हुआ सारी फौज फैल यानी 150 सिपाही प्यादे थानेदार नायब तमाम के तमाम यार हवेली के हाथ दे दे। अब ऊपर दनाली ले खड़ो है हारे भाई जा की माने ताकत में दियो जा की माने जा को दूध प्याऊ आ जाए वो पकड़न को, मगर मेरा सरदार काला मुंह के देख के कोई काई की भी ऊपर को आ सकना पड़े अपनिया नीचे से कह रहे हैं अर्ची उतिया के बच्चा कदी तो उतरा को सुसड़े के सुसड़े और सुसड़े चप पकड़ेंगे और सुसड़े कदी तो उतरा को। अब नीचे खड़े खड़े कह रहे हैं बढ़िया अब मेरो का जित को लखा होती को दुनिया जित को लखा होती को दुनिया पीछे को लखा कर देखे सुनार को और कसाइन को पाड़ोस तो सुनार की कसाइन की ऐसे चली पड़ी जैसे काई जमाना में कोट बहिर चल रही जनाब कसाई ने चला की लगा रखी सुनार की हवेली के पीछे लो हार्डन की खाकर घेर रखी ऊपर से पतला पतला पूरा तिरका रखा कह सुरा को कोई बाढ़ गिरे तो फंस के मेरे को मेो खलखा जाने तो समझा जी पूरा को खूंज और उवा में ही भीतर चाला की ऊपर तो पूरा पतला पतला भीतर हड्डन की खांगरी याने गई सरे उरे को दुनिया ना आई तो तीन भागो तो दुनिया लगाकर फूक गई यूदू को और एकदम छाती छाती ली यानी कचक जा हड्डन इतने उनमें से निकल के भगे इतने तो 100, 200, 500 आकर टूट पड़ा पड़ा गिरफ्तार कर रात को कहां रहे तो झिरका फिरोजपुर में दिल निकले कहां को चहलान दे देवा गुड़गांव एक भाई तो मुंजा कहां अलवर भाई बड़ा भाई मेरा कहां मुंजा गुड़गांव जनाब अल्लाह बता के काई को दिखा बैरी सुबेरे को नू कहा पहला वक्तन में यानी सरकारी लिहाज में तो पक्की बड़ी जेल ही गुड़गांव की चिड़ावट का बारा में पक्की जेल ही कहां की अलवर सरकारी बारे में कच्ची भाई चिड़ावट बारे में पक्की गुड़गांव की जेल सरकारी लिहाज में पक्की जेल अंग्रेजी की चिड़ावट में राजा पहले कच्चा डंडा बताया तो खुदा को हुक्म 8 दिन मेवखा हो जा अल्लाह की हो जाए मिहिर कुछ तो डंडा बारिश सुधा और कुछ 2-4 गोडी लगाई 8वें दिन रात को पड़ा आधी 12 बजे बाप सलाम वाले कार्य करी किसने मेवखा ने रात सलाम वाले बाप वालेकुम सलाम आ बेटा मेवखा कहां सवार हो बेबा अरे बाबा गुड़गांव की जेल सवार अंग्रेज की जेल में वाह वाह शाबाश बेटा शाबाश के घुड़चिड़ी नहाया के बाबू तो नहाया ऐरा के देख तो सही बात यानी कच्ची जेल में अलवर का की मैं आज बात 12 रोज होगा और मैं सरा अंग्रेज की जेल में 8 दिन पूरा ना ठहरो रात को तेर पे आ हर बार मैं कहा करू बेटा वह तो 12 दिन होगा रात को रहे तो सही तो दिन निकलते किसको बुला तो भौरा भंगी को अरे दादा हाँ एक काम करा दो बेटा एक नहीं दो करूंगा कहा काम है भाई लाला ओ दादा एक चिट्ठी अगर जे तू ले जावा और अलवर में जाके घुचड़ी तारी को दे देवा तो तेरा ऐसा ना दिया जाए उनने कहा बेटा एक ना दो दूंगा लेकर चिट्ठी को भौरा भंगी यार मेरे खबा में कहा लिख दे कहां भी चल तो हो जाए अलवर सारे दिन में पैदल को रास्ता जा पहुंचते नवे शाम को वक्त होते रात को अपनी बिरादरी में सो तो बैठते दिन निकलते बड़ी जेल में जा पहुंचते हो घुड़चिड़ी तारी कहां मिलेगा घुड़चिड़ी तारी कहां मिलेगा जैसे बारक बारक में है तो ढोल रो हेला दे तो ढोल रो और हूं यहाँ का ध्यान पड़ो कान में आवाज गई किसकी में घुड़चिड़ी की में और आकर दादा जंगला में लखा कर देखा तो भौरा भंगी है अरे आजा दादा मैं तो रहो रे सलाम किसान अल्लाह का सलाम अरे दादा कैसा है मेरा बेटा मिलन को आयो हूँ राजी खुशी लेन को राजी खुशी देन सुना तो भाई दादा मेरो बाप भाई बालक बच्चा माँ गांव बस्ती में राजी खुशी उनने का बेटा राजी खुशी लाला तू बता दादा मैं भी राजी खुशी हूँ फिर बूझ रहा दादा कैसा आयो कह बेटा मिलाई कण को आयो तीसरा बूझ रहा गुरुचड़ी स्थाई दादा कैसा आयो लाला जय तो असलियत पूछा तो मैं तो तेरे पे एक चिट्ठी लाया दिखाया दादा कैसी चिट्ठी क्या तो चिट्ठी को हाथ में ले तो क्या तो मेव खा उसके अंदर दोहा लिखते हुए क्या जा रहा पिछली सारी बात को क्या दोहा लिखते हुए
धोबी ना। अरे कैसे दुर्गा भी कच्ची जल वे ये कैसे आपको कस्बा पिनागवा के अंदर अनिल कुमार के पास मिलेंगे, सिर्फ अनिल कुमार, बाकी और लोगों पर कूड़ा मिलेगा कूड़ा। वही पुराना पता अनिल कुमार, कबाड़ियों से सावधान, मेन रोड पर बसे हुए कबाड़ियों से सावधान। कौन बयान करता है जेल में बिंद तू खुदा भी बकस को जाको 14 से 14 कोश में राज तपा हुआ जब की जेल में सुना हमारा दिन पूरा ना ठहरा सुरा कहा कच्ची और अलवर रियासती जेल में आज तो 12 रोज होगा सुरा खुदा बस कोई बिंद ना हैरा दादा दादा खैर भाई ने जो कही ठीक कही है मगर मुझे पता है काल की रात बारिश बहुत तगड़ी हुई अलवर की यानी गुड़गावा की जेल जो है सरकारी लिहाज में पक्के चिनाट में कच्ची है मान लिया उन लोग बाप लोग कुछ तो सुरा डंडा बारिश उठा होगा कुछ 2-4 गोडी लगा दी होंगी उलू अगर बाप लोग भाई यार बता जा मैं जंगला भी ऐसा ठुकरा दिन में सरिया भी ऐसा जैसे मेरी बाँ बता 18-18 हाथ की सफील खींची हुई है मैं इन्हें सुदादा कैसे हूँ खैर भाई लाला मेरी क्या खता है तेरा भाई को जवाब है अपना भाई को कुछ भी सोचो करो दादा हाँ खूब तो मेरा भाई इसको ये सलाम तीन बार आज नहाऊ धीरे नहाऊ परसों दिन में नहाऊ परसों की रात अगर आधी सु पीछे पीछे मुर्गा बोले सु पहले पहले आगो चौंधा तक तो भाई की शक्ल देखूंगा दिखाऊंगा अगर अजान भी लग गिर मेरे पे नहागो तो जिंदगी भर तक ना भाई की शक्ल देखूंगा ना दिखाऊंगा नगाचो कहा जा या ये कह दीजिए अरे हूं सु यानी कौन घर को घोरा भंगी चलो कहा पहुंचो चौंधाता में सलाम छाना लाभ सलाम दादा क्या कही वाह बेटा यू बात कही है आज नहावे धीरे नहावे परसों दिन में नहावे परसों की रात जो है आधी सू पीछे मुर्गा बोले से पहले अगर खुदा बख्श को होगा तो शकल दिखा देगा जे अजान भी लगी ना तेरी शिकल देखोगा ना तुल दिखाएगा जिंदगी भर हेलो कहा अब साहब जादना को दिन बीतते
दूसरा दिन बीतते है, तीसरा रोज निकलता है। धूप पर के बारे बजते हैं, जितने भी वहाँ जेल में जेली है, जाने 100 हाक 200 हाक 500 हाक सारी को इकट्ठा कर ले। अरे भाई जेलियो, हाँ भाई सच बताओ, तुमने अपना अपना घर सुहाए, अपना अपना बच्चा मिले कितने तक दिन होगा? अब का ये साहब 10 साल हुई, का ये 5 साल हुई, का ये 2 साल हुई, जीते तक दिन हुआ, सबने अपना अपना दिन बताया। भाई जय जहारो खुदा, तुमने आज रात को तेहरा बालक ने सुमिला दे तो अच्छी बुरी कह भाई, अल्लाह तेरो बहुत बड़ो करे, हमारा बालक ने सुमिला दे तू बगैर यानी सजा भुगते हुए, जे तो हमने बड़ी करा दे। कहते बड़ी बात, अब ही सु कह रहा हूँ, आधी के 12 बजे जाऊंगा, जय का ही अपना अपना बच्चा से मिलने मेरे साथ साथ चल दीजिए। कहते बड़ी बात ऐसी है, जय से तो कह रहा हूँ, अगर जाते वक्त तेने सब सुजगा कह दी तो तू लोग तेरे बाप लोग, और बाप के कहे पे तू चलोगे तो भाई कोई सोएगा और कोई जागेगा नहीं, ये वसूला जब भी जाऊंगा सारे ने जगा कर जाऊंगा। मैं शाम को वक्त हो तो रोटी रसोई खा दे, अपनी अपनी कोठरी में सारे सोते हैं। अरहुन आदि के बारे बसते अब तमाम जेली ने जगा देवे, सारा इकट्ठा हो जा, लेकर बिलाल मीन को ना पढ़कर बिस्मिल्ला ई जंगला को पार दो, उपार कर जंगला। अरे भाई जाकर ये जानो तमलू बना दियो रास्ता, चले जाओ। तमाम जेल खाली हो जाए, दोनों भाई जेल के अंदर है जा। कौन कौन से? यानी कि उमदा मैना और गुजरी स्थाई। अरे उमदा मैना, हाँ भाई, जहाँ के दुनिया जारी ही के जाओ कि जहाँ के मैं चलूंगा हूँ के चलाओ। मैंने कहा भाई मैं तो तेरे साथ चलूंगा, मेरे साथ चला गो अगर, हाँ कि तो डंडा कह खा तू चोर 18 हाथ पहले तो यहाँ पे चढ़ जा और यहाँ पे कूदना पड़ेगा, मेरे साथ भागना पड़ेगा। भाई तो ना चढ़नो है मेरा बस को, ना मेरा बस को भागना। कहते सुरा निकल जाया ही, मैं कहा आगे बैठो पा जायो, इंदा मैणा भी वाई में के निकाल दी। जब के समझ लिया कि जेली पहुंच गया 10-10, 5-5 कोस दूर, तो क्या तो 18 हाथ के डंडा पे चढ़ तो चढ़ के तो क्या तो पिछली स्थाई हेला मारकर क्या बयान कर अगर चलो हूँ जेल से घुड़चड़ी कह गो भी हेला दिए जनाब, हेला दे के अब दुख तो है, इतने फौज फैर खड़ी हो, इतने बूट पटने चढ़ावे, इतने तो हरामी नौनों कोस भग जाए, रास्ता में आकर दे के उंदा मैं बैठे दे उन भाई। अब हल्ला बोलते हैं आधी से पीछे मुर्गा बोलो से पहले जाकर नीचे उड़ा होता मैं भाई से मुसाफो जाकर मिलते झुलते हैं, राजी खुशी पूछते हैं, बांध दे के मिलते हैं। ओ भाई नहीं बोलने बतवाने में मिलने झुलने में दिल निकल जाए, लिखा कर देगा तो तीसरा भाई दूसरा और बैठो। भाई यू कौन है? के भाई तो मेरा पगड़ी पलटा भाई है। अरे यू कैसे भाई? अरे मेरा खास भाई है पगड़ी पलटा। अरे भाई तेरे संग कितना रोज होगा? के भाई मेरे साथ यह होगा 6 रोज। एक बात तो बता, ये खाली टिकट कोई खर्चा है, कोई हमें सिफ्ट है, कोई तारीफ बेरा में? उन्होंने कहा भाई मैंने कुछ ना पूछो जाने कोई सिफ्ट है या ना। अरे भैया को नाम कहा? उमदा मैना। अरे भाई उमदा मैना, हाँ भाई एक बात तो बता भाई, तेरे अंदर कोई सिफ्ट और तारीफ है? उन्होंने कहा भाई मेरे अंदर सिफ्ट है। कौन सी? जब मेरा हाथ में देगा बिनू, जब तो ना मरे मुँह पे चिड़िया भी, और मेरा हाथ में दे दी तमने तरवार, तो 10,000 ने एक तरफ को कर दे और मुँह एक तरफ को कर दे, बी थोड़ा पाट दे।
हेलो क्या राका तवाड़ी भी का चलाना आ जाऊंगी वे काम जो के जातना चाचा पे रखी। हेलो क्या हमदा मैं और गुरचड़ी मेव का तीनों भाई कहा को हल्ला बोल दे मिर्जा पर जाकर देखा वहां का दो ही सली का 10-20-50 आदमी बैठा है। आप कुर्सीदार मुड़ा पे बैठो यार दुनिया हुक्का ने भर रही है फिर फिर के प्यारी है इधर उधर की बात ने मारो और इनने जाकर बंगला पे चढ़ के एक भाई काका सलाम वालेकुम इनने कहा वालेकुम सलाम आओ बेटा सुनाओ बेटा कहाँ सुहा करो हमने हाँ ए चाचा हम तो आज हूँ सुहा कहाँ सुचा तो सच्चे बयान को बता दे क्या कहते हो पत्थर सुकाट हम तो चोर हुआ सरकार का चाचा तू लिए ना गांव में डॉट हो चाचा जातना से छोटा मोटा उगाड़ कर गया मगर जा जा सो आपने हमको फुल छुट्टी दी है साधे नाद सरकार की बड़ी जेल में से भग कर आया हूं देख ले बेड़ी हथकड़ी सी पत्थर सु रास्ता में काटी। हेलो कहां बाय लाला बहुत ब्रोकर कैसे चाचा ए